दोस्तों केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम बात करें तो आईपीएल 2024 के लिए पूरी तरीके से तैयार है और सभी फैंस और खुद टीम भी यही चाहेगी। जिस तरह से गौतम गंभीर की वापसी केकेआर के अंदर हुई है उसी तरह से साल 2014 के बाद ट्रॉफी की भी वापसी घर के अंदर हो और टीम केकेआर अब की बार तीसरी बार यहां पर चैंपियन बन पाए। आप कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको लगता है टीम केकेआर के स्क्वाड और प्लेइंग 11 में वो दम है कि वो यहां पर इस साल तीसरी बार चैंपियन बन पाए और आईपीएल की ट्रॉफी जीत पाए। खैर अगर बात करें आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन हम करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों डायरेक्ट आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेसन रॉय और रहमानुल्लाह गुरबाज के लिए। यहाँ पर एक तो हम दोनों को कंपैरिजन करेंगे और क्यों हम कंपैरिजन कर रहे हैं इसके पीछे का विषय भी सबसे पहले आप जान लो, फिर हम डायरेक्ट कंपैरिजन में चलेंगे जो कि एक बहुत ही डिटेल और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। सभी स्टेट्स वगैरह आपकी स्क्रीन पर आएंगे तो आपका कहीं भी जाने का मन भी नहीं करेगा। तो अभी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज और जेसन रॉय को हम क्यों एज एन ओपनर या फिर एज अ प्लेयर हम कंपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें तो जेसन रॉय यहाँ पर ओपनिंग के लिए यहाँ पर चॉइस माने जा रहे हैं। सबसे पहले जो प्राइमरी चॉइस है जो रहमानुल्लाह गुरबाज है वो सेकेंडरी चॉइस माने जा रहे हैं और दोनों साथ में ओपन करेंगे। ये बिल्कुल यार वो कहते हैं ना जो डिटॉल 1% कीटाणु बचा देता है वो 1% वाला चांस यहां पर जरूर है। अब क्यों तीनों के पीछे मैं समझा देता हूं और तीनों ही कंडीशन में क्या यहां पर जोड़ी बनेगी वो भी आपको बता देते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा समझ लो उसके बाद अपन कंपैरिजन में चलेंगे ना तो ज्यादा मजा आएगा। बात करें तो दोनों क्यों ओपन नहीं कर सकते हैं दोस्तों, रहमानुल्लाह गुरबाज और जेसन रॉय अगर दो ओपनर्स हो जाते हैं तो फिर आपके नीचे तीन ओवरसीज की जगह नहीं बनेगी क्योंकि तीन ओवरसीज आपके फिर वेस्ट हो जाएंगे जो कि है मिचेल स्टार्क, सुनील नारायण और आंद्रेसल। तो अगर आप नीचे तीनों को खिलाओगे तो इन दो को आप नहीं खिला सकते हो, ना ही आप इंपैक्ट प्लेयर के थ्रू इन पांच ओवरसीज का यूज कर सकते हो। टोटल आपको चार ओवरसीज ही यूज करना अलाउड है एक बार प्लेइंग 11 में। तो दोनों ओपन करेंगे ये तो चांस हमारा कैंसिल हो गया है। जेसन रॉय अगर प्राइमरी चॉइस क्योंकि वो है तो यहां पर अगर उनसे ओपन कराया जाता है तो उनके साथ एज एन ओपनर या तो केएस भरत आएंगे क्योंकि अब विकेट कीपर प्लेइंग 11 में नहीं रहेगा या फिर केएस भरत नीचे आएंगे और वेंकटेश अय्यर की जोड़ी जेसन रॉय के साथ बनेगी। वहीं अगर सेकेंडरी चॉइस रहमानुल्लाह गुरबाज को कंसिडर किया जाता है तो क्योंकि यहां पर केएस भरत ऑलरेडी यहां पर नहीं आएंगे क्योंकि विकेट कीपर ऑलरेडी गुरबाज हो चुके हैं तब यहां पर ओपनर हमें वेंकटेश अय्यर देखने को मिलेंगे। बट क्योंकि गौतम गंभीर के फेवरेट यहां पर सुनील नारायण और उनके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे ही तो वो उनको भी चूज कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये भी जोड़ी है। सो आप कमेंट करके जल्दी से बता दो आपके अकॉर्डिंग रहमानुल्लाह गुरबाज और वेंकटेश अय्यर या सुनील नारायण या फिर यहां पर जेसन रॉय, केएस भरत या वेंकटेश अय्यर की जोड़ी कौन सी ओपनिंग प्लेयर टीम केकेआर के लिए बेस्ट रहने वाली है। एंड अब आ जाते हैं सीधा हम कंपैरिजन के ऊपर। तो जेसन रॉय ओपनिंग की पहली यहां पर प्रायोरिटी है, पहली चॉइस है। सो सबसे पहली जिनकी पहली चॉइस है ना हम उनको कंपेयर कर लेते हैं। हम यहां पर अगर बात करें तो टेस्ट मैच जो जेसन रॉय है उन्होंने केवल 5 खेले हैं जिसमें उनकी यार 10 बार बैटिंग आई है। 5 टेस्ट में 10 बार बैटिंग आप प्लीज मत पूछना कैसे आई है। हाँ जो हाईएस्ट स्कोर इनका रहा है वो 72 का है, एवरेज इनका 18 का है। स्ट्राइक रेट टेस्ट में कम ही रहता है, वो रह ही सकता है, बॉलिंग ये करते नहीं है। बट अगर इंटरनेशनल की बात करें वनडे इंटरनेशनल की तो 116 मुकाबले खेले हैं जहां पर 110 बार इनकी यहां पर बैटिंग आई है। केवल 3 बार ये नॉट आउट लौटे हैं बट यहां पर 4200 से ज्यादा इनका रन है और 180 का विशाल काई हाईएस्ट स्कोर इनका रहा है, एवरेज लगभग 40 का ही है। बट अगर बात करें तो स्ट्राइक रेट यहां पर 100 का है जो कि बहुत अच्छी बात है, 100 से ऊपर का ही है। ये भी सेम बात है कि इंटरनेशनल वनडे हो T20 कुछ भी बॉलिंग ये करते ही नहीं है। अब T20 मुकाबलों पर आ जाते हैं जो कि इन्होंने 64 मुकाबले खेल रखे हैं इंटरनेशनल T20 के। तो 64 मुकाबलों की बात करें तो केवल एक बार ये नॉट आउट आए हैं, 1500 से ज्यादा इनके रन हैं जहां पर हाईएस्ट स्कोर 78 का रहा है, एवरेज अंडर 25 है, जस्ट अंडर 25 है, बट स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 140 के करीब है जो कि एक बहुत ही शानदार बात है। वही ओवरऑल मुकाबले इनके इंटरनेशनल में 185 हो जाते हैं और पूरे इंटरनेशनल की डिटेल्स आप देख सकते हो जहां पर स्ट्राइक रेट 109 का है, एवरेज 33 का है, लगभग 6000 इनके रन है और 4 बार ये नॉट आउट भी आए हैं। बट अब आ जाते हैं हम मेन एस्पेक्ट के ऊपर जो कि कंपैरिजन के अंदर आपको बहुत ज्यादा मजा देगा। अब क्या है वो मजेदार बात, इनके आईपीएल मुकाबले 21 मुकाबले आईपीएल में ये खेल चुके हैं जहां पर 2 बार ये नॉट आउट आए हैं, 616 रन इन्होंने बनाए हैं, 614 रन इन्होंने बनाए हैं, 32 का इनका एवरेज और हाईएस्ट स्कोर इनका 91 का रहा है। खैर अगर आपको जेसन रॉय या केकेआर के फैन हो तो नीचे कमेंट करके बताना 91 रन कौन सी टीम के खिलाफ बनाए हैं और कौन सी टीम में रहकर बनाए हैं। लगभग 140 का इनका एवरेज है। तो ये हो गई हमारी बात पूरी यहां पर रहमानुल्लाह गुरबाज के कंपेटिटिव जो जेसन रॉय है उनके ऊपर। अब जेसन रॉय के कंपेटिटिव
रहमानुल्लाह गुरबाज के ऊपर बात करेंगे। बहुत कंफ्यूजन हो गया ना, बट अब कंफ्यूजन दूर करते हैं। करियर रहमानुल्लाह गुरबाज का बहुत छोटा रहा है, बट उस छोटे से करियर में धमाका यहाँ पर गुरबाज ने बहुत बनाया है। टेस्ट में इनका डेब्यू अभी तक नहीं हुआ है, वनडे इंटरनेशनल इन्होंने 35 खेले जहां पर एक बार ये नॉट आउट आए हैं। ऑलमोस्ट 1200 से ज्यादा के इनके रन है, 151 इनका हाईएस्ट स्कोर है, 36 का इनका एवरेज है, 36 से ज्यादा का है। स्कोरिंग की अगर बात करें स्ट्राइक रेट की तो 88 के आसपास की है, जो कि वनडे इंटरनेशनल में थोड़ी ओके या बिलो एवरेज मानी जाएगी। बट मेन ये है विस्फोटक बल्लेबाज T20 के, तो 43 इन्होंने मैचेस खेले हैं, 43 में इनकी बैटिंग भी आई है, एक बार भी नॉट आउट ये नहीं गए हैं। लगभग 1000 से ज्यादा इनके रन है, हाईएस्ट स्कोर इनका यहाँ पर 87 का है, एवरेज लगभग अंडर 25 है, और स्ट्राइक रेट की बात करें तो 135 के आसपास का इनका एवरेज है। और इंटरनेशनल हो डोमेस्टिक हो तो यार विकेट कीपिंग ये करते ही हैं, बॉलिंग ये भी नहीं करते हैं। तो ओवरऑल इनके जो 78 मुकाबले हैं उनका जो स्क्रीनशॉट है आप सब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, केवल यहां पर अगर बात करें तो 2200 से ज्यादा का इनके रन्स हैं और यहां पर 151 का हाईएस्ट स्कोर है, अंडर 13 का एवरेज है, और स्ट्राइक रेट मिलाकर इनके लगभग 100 के आसपास आ जाता है। बट एक बार फिर से रहमानुल्लाह गुरबाज का भी जो मेन एस्पेक्ट है, जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसका मेन एस्पेक्ट है आईपीएल। तो रहमानुल्लाह गुरबाज ने आईपीएल में 11 मुकाबले खेले हैं, 11 में इनकी बैटिंग आई है, 227 इन्होंने रन बनाए हैं, हाईएस्ट स्कोर इनका 81 का रहा है, एवरेज यहां पर 20 का है, जो कि T20 के अंदर बहुत ही बुरा मान सकते हो। बट स्ट्राइक रेट एक लाजवाब स्ट्राइक रेट है, लगभग 133 का। सो दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे सिर्फ और सिर्फ आईपीएल मुकाबलों के बेसिस के ऊपर, यहां पर गुरबाज ने खेले हैं 11 मुकाबले, रॉय ने खेले हैं 21 मुकाबले। साफ बात है यहाँ पर बहुत ज्यादा गैप इनके रन में है, 227 रन केवल गुरबाज के हैं, 614 रन यहाँ पर जेसन रॉय के हैं, एवरेज गुरबाज का 20 का है, 32 का एवरेज है यहाँ पर रॉय का, 133 का स्ट्राइक रेट है यहाँ पर गुरबाज के पास, तो 138 का स्ट्राइक रेट है यहाँ पर जेसन रॉय के पास। हर एक एस्पेक्ट हर एक चीज के अंदर यहाँ पर बहुत आगे हैं जेसन रॉय। तो एज एन ओपनर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि प्राइमरी चॉइस टीम केकेआर की जेसन रॉय, साथ ही साथ या तो सुनील नारायण या फिर वेंकटेश अय्यर की जोड़ी ही रहने वाली है। तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग ये स्टेट्स निकल कर आए हैं, जहाँ पर आपको एक तरफा गुरबाज तो यार नए हैं, यंग भी हैं काफ़ी, उनको काफ़ी मौके भी दिए जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि प्राइमरी चॉइस अगर रॉय है तो गुरबाज खेलेंगे ही नहीं, गौतम गंभीर आ गए हैं टीम में, तो आप आंखें खोल के रखना, आपको कभी भी किसी भी टाइम सरप्राइज पूरा मिल जाएगा, क्योंकि आईपीएल हिस्ट्री के अंदर किसी भी वेल रेप्यूटेड जो पार्टनरशिप है, जो वेल रेप्यूटेड ओपनिंग है, उसने कभी इतने रन नहीं बनाए, जहां पर एक एक्सपेरिमेंट जोड़ी ने टीम केकेआर के लिए वो कर दिखाया जो पूरे आईपीएल हिस्ट्री में नहीं हुआ है। पावर प्ले में सबसे ज्यादा ओपनिंग के रन या फिर किसी भी टीम के लिए रन लगभग यहां पर 200 के ऊपर 6 ओवर में मार देते क्रिस लेन और सुनील नारायण ने, तो गौतम गंभीर के रहते हुए कुछ भी मुमकिन है। आप कमेंट करके जरूर बताओ आपके लिए बेस्ट ओपनिंग पेयर क्या है, और क्या गौतम गंभीर की मेंटरशिप में टीम केकेआर इस साल जीत रही है। क्या आप ऐसे और डिटेल वीडियो और कैसे कंपैरिजन वाले वीडियो देखना चाहोगे? वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।